हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का ग्रेड वन सेमेस्टर टू का लेसन, ए बर्थडे गिफ्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव एज ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे? ड्रॉ ए पिक्चर बिलो। तो आप अपने बर्थडे पर एज ए बर्थडे गिफ्ट क्या लेना पसंद करोगे? आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करना है, पिक्चर ड्रॉ करना है, जो आपको बर्थडे गिफ्ट में चाहिए आपने। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये कीवर्ड्स वॉबलिंग। वॉबलिंग क्या होता है? लड़खड़ाना। वॉबलिंग मीन्स मूव्स और शेक्स, मीन्स मूव्स मतलब हिलना या फिर डगमगाना, ठीक है, इसको लड़खड़ाना बोलते हैं। फ्रॉम साइड टू साइड, साइड टू साइड मतलब ऐसे 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 ऐसे, ओके, साइड टू साइड। गैराज, ए प्लेस वेयर कार्स एंड बाइक्स आर टेकन फॉर रिपेयर, ठीक है। गैराज क्या होता है? गैराज एक प्लेस होता है जहाँ पे बाइक को, मोटरसाइकिल को, साइकिल को या कार को ठीक करवाने के लिए ले जाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिक। मैकेनिक क्या होता है? ए पर्सन हु रिपेयर्स व्हीकल्स लाइक बाइक्स एंड कार्स। मैकेनिक एक आदमी होता है जो हमारी गाड़ियों को, जैसे मोटरसाइकिल या कार को ठीक करता है, उनकी मरम्मत करता है। ओके, टाइट, टू होल्ड समथिंग प्रॉपरली। टाइट क्या होता है? किसी चीज़ को ठीक से पकड़ना, होल्ड समथिंग प्रॉपरली, पकड़ना कह लो, या उसको मतलब जैसे आप अगर किसी स्क्रू की बात करें तो वहाँ टाइट करना होता है। तो यहाँ इस लेसन में कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो यहाँ पे पकड़ना नहीं होगा, टाइट करना ही होगा। ओके, लूज समथिंग नॉट प्रॉपरली अटैच। लूज क्या होता है? ढीली चीज़, जैसे कोई चीज़ प्रॉपरली अटैच ना हो, जैसे अगर आपने स्टेपल कर दिया इसको, या फिर आपने इसको एक ऐसे फिंगर से पकड़ रखा है तो छूट जाएगा, तो ये लूजली पकड़ा हुआ है आपने, लूजली होल्ड किया है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब लेसन पे चलते हैं। ओके, इट वॉज रोहित्स बर्थडे। ये रोहित का जन्मदिन था। ही हैड ए बाथ एंड वोर न्यू क्लॉथ्स। उसने स्नान किया, वो नहाया और उसने नए कपड़े पहने। हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम टू द लिविंग रूम। उसके माता पिता ने उसे लिविंग रूम में बुलाया। हेयर्स योर प्रेजेंट, सेड मदर। माँ ने कहा, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। इट वॉज ए शाइनिंग पर्पल बाइसाइकिल। ये एक चमचमाती बैंगनी रंग की साइकिल थी। देखो ये रोहित है और ये इसकी पर्पल बाइसाइकिल है। ओके, इट हैड टू बिग व्हील्स एंड टू स्मॉल व्हील्स। देखो इसके एक ही बिग व्हील हो गया और एक ये बिग व्हील हो गया। ओके, और ये नीचे छोटा एक स्मॉल व्हील इधर है और एक उस तरफ है सपोर्ट के लिए, जिससे कि रोहित साइकिलिंग करते वक्त नीचे ना गिरे। ओके, अभी क्या कह रहा, थैंक यू मम्मा एंड पापा। धन्यवाद मम्मी और पापा, सेड रोहित, रोहित ने कहा। ही देन वेंट टू स्कूल हैप्पीली। और तब वो खुशी खुशी स्कूल चले गया, ठीक है। मॉर्निंग में बर्थडे की मम्मी पापा ने दे दिया उसको, और फिर वो अपने स्कूल चला गया। ओके, दैट इवनिंग ही वांटेड टू राइड हिज न्यू बाइसाइकिल। उस शाम वो अपनी नई साइकिल को चलाना चाहता था। मे आई राइड माई बाइसाइकिल मामा, क्या मैं अपनी साइकिल चला सकता हूँ मामा? आस्क रोहित, रोहित ने पूछा अपनी मामा से कि क्या मैं साइकिल चला सकता हूँ। येस बट बी केयरफुल, सेड हिज मदर। हाँ लेकिन सावधानी से, माँ ने कहा। रोहित ड्रोव हिज बाइसाइकिल अराउंड। रोहित ने अपनी साइकिल आसपास चलाई, अपने घर के आसपास। इट हैड ए स्मॉल बेल टू, इसमें एक छोटी घंटी भी थी। देखो ये घंटी दिखाई दे रही है आपको नीचे, ये देखो ये घंटी है इसमें, ठीक है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, रोहित रैंग इट हैप्पीली। रोहित ने उस घंटी को खुशी खुशी बजाने लगा। ट्रिंग ट्रिंग, साइकिल की आवाज आती है ना, आपकी भी बाइसाइकिल होगी तो उसमें आती होगी घंटी की आवाज। हेलो रोहित, सेड हिज फ्रेंड तारा। हेलो रोहित, उसकी दोस्त तारा ने कहा। आई विल जॉइन यू टू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तारा हैड एन ऑरेंज बाइसाइकिल। तारा के पास एक, ये देखो ऑरेंज बाइसाइकिल है ना पीछे, और पिछले पेज में भी देखा था आपने, देखो ये ऑरेंज बाइसाइकिल ये रहा ना। सो तारा ने कहा, तारा हैड एन ऑरेंज बाइसाइकिल, उसके पास एक, तारा के पास ऑरेंज बाइसाइकिल थी। इट हैड ए बेल एंड ए बास्केट, इसमें देखो एक बेल भी है, दिखाई नहीं दे रही यहाँ से, और ये पिंक कलर की बास्केट है। ओके, बास्केट होती है टोकरी, साइकिल में एक छोटी टोकरी रहती है बच्चों की साइकिल में। रोहित एंड तारा ड्रोव दियर बाइसाइकिल्स, रोहित और तारा ने अपनी बाइसाइकिल चलाई, साइकिल चलाई टुगेदर, एक साथ अपनी साइकिल चलाई। आफ्टर सम टाइम रोहित गॉट डाउन फ्रॉम हिज बाइसाइकिल, कुछ देर बाद रोहित अपनी साइकिल से नीचे उतर गया। व्हाट हैपेंड रोहित, क्या हुआ रोहित, तारा ने पूछा। दिस सीट इज वॉबलिंग, सेड रोहित, ये सीट जो है लड़खड़ा रही है, रोहित ने कहा। डोंट वरी रोहित, वी विल टेक इट टू गैराज, सेड तारा, चिंता मत करो रोहित, हम इसे गैराज में ले जाएंगे, तारा ने कहा। तारा एंड रोहित वेंट टू द गैराज, तारा और रोहित गैराज में गए। दे मेट ए मैकेनिक,
वो एक मिस्त्री से मिले। देखो ये मिस्त्री है ना, मैकेनिक, ये इसकी गैराज है और ये मिस्त्री है। ओके सर, कुड यू प्लीज फिक्स दिस सीट। सर, क्या आप इस सीट को फिक्स कर दोगे? इट वॉबल्स, सेड रोहित। ये जो है लड़खड़ाती है, हिल रही है, डगमगा रही है, रोहित ने कहा। द मैकेनिक चेक द सीट। मैकेनिक ने सीट को चेक किया। इट इज लूज, ये ढीली है। आई कैन मेक इट टाइट, ही सेड। मैं इसे टाइट कर सकता हूँ, उसने कहा। थैंक यू, सेड रोहित। रोहित ने कहा धन्यवाद। लेट्स गो होम, आओ घर चले। वी विल बी लेट फॉर माई बर्थडे पार्टी, सेड रोहित। रोहित ने कहा आओ घर चले, हम मेरे बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, दियर बाइसिकल बेल्स रैंग एज दे ड्रो बैक होम। उनकी साइकिल की घंटी की आवाज़ आई, या उनकी साइकिल बजी, साइकिल की घंटी बजी जब वो घर वापस जा रहे थे। ओके चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं इस लेसन का। ओके देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, मतलब ये ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ पे, आपको आपने बुक लेसन पढ़ा है उसमें से ऑप्शन देख करके आपको फिल करना है। इट वॉज ए शाइनिंग पर्पल बाइसिकल। ओके, इट हैड ए स्मॉल बेल, स्मॉल बेल थी ना उसमें, स्मॉल बेल टू। तारा हैड एन ऑरेंज बाइसिकल, तारा के पास थी ना एक ऑरेंज बाइसिकल, देखो इरा, तारा हैड एन, ये लिखा हुआ, तारा हैड एन ऑरेंज बाइसिकल। ओके, द मैकेनिक चेक द सीट। मैकेनिक ने ही सीट चेक की थी ना जब उसकी सीट वॉबल कर रही थी। ठीक है, इट हैड टू बिग व्हील्स एंड टू स्मॉल व्हील्स। सर, कुड यू प्लीज फिक्स दिस सीट, इट इज वॉबलिंग, है ना। तो ये उस सीट फिक्स कराने के लिए रोहित ने कहा था। वी कैन मेक इट टू, वी कैन टेक इट टू ए गैराज, सेड तारा। तारा ने कहा था कि हम इसको गैराज में लेके चलेंगे। ओके अब देखो नेक्स्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। आफ्टर सम टाइम रोहित स्टॉप्ड राइडिंग, ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज बाइसाइकिल। कुछ देर बाद रोहित ने साइकिल चलानी बंद कर दी या रोक दी साइकिल, और वो नीचे उतरा। तो इसमें क्या आएगा, हु स्टॉप्ड राइडिंग, रोहित स्टॉप्ड राइडिंग, रोहित ने साइकिलिंग रोक दी। वट डिड ही डू आफ्टर स्टॉपिंग, ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज बाइसाइकिल। नेक्स्ट देखो, तारा एंड रोहित वेंट टू द गैराज, दे मेट ए मैकेनिक। वेयर डिड रोहित एंड तारा गो, ये क्वेश्चन है। तारा एंड रोहित वेंट टू द गैराज, ये आपका आंसर हो गया। होम डिड दे मेट, दे मीट, दे मेट ए मैकेनिक, ये आपके इसका आंसर हो गया। ओके सर, कुड यू प्लीज फिक्स दिस सीट। अभी क्या कह रहे हैं कि आप मेरी सीट फिक्स कर दोगे। हु सेड दिस द अबव वर्ड्स, रोहित सेड दिस टू द मैकेनिक। ओके, वट हैड टू बी फिक्स्ड, द सीट हैड टू बी फिक्स्ड। ओके अब देखो ये क्या है, वट वुड यू डू इफ योर बाइसाइकिल ब्रेक्स डाउन, अगर आपकी साइकिल खराब हो जाएगी तो आप क्या करोगे। वी विल गो टू द मैकेनिक, और वी विल गो टू ए गराज, गराज में मैकेनिक मिलेगा। ओके, विच पार्ट ऑफ द बाइसाइकिल हेल्प अस, हेल्प्स यू स्टॉप इट, साइकिल का कौन सा पार्ट है जो रुकने में मदद करता है। ब्रेक ऑफ द बाइसाइकिल हेल्प अस टू स्टॉप इट। ओके, साइकिल की ब्रेक ही तो रहती है जिससे हम साइकिल रोकते हैं। ठीक है, चलो इसको ख़त्म करते हैं, अगले सेशन में नया चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।